दान वगैरह होता है। आप फोन कर सकते नारायण जी, कैसे करते हैं कथा? कैसे तो एक यजमान एक ही है तो उसके लिए भी करते हैं या बहुत लोगों के लिए करते हैं? बहुत लोग हो तो बहुत लोगों के लिए करेंगे, एक होता है एक के लिए। और वो कैसे होता है मतलब तो आपके पास आना होगा? हाँ, आप अगर सुनना चाहेंगे तो आएंगे, फिर कराना चाहेंगे तो दक्षिणा दे देंगे। नहीं 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 सर जी, करा ही आता हूँ आपके पास। हाँ, पहले से हमको बताना तो सारी व्यवस्था तो करके रखेंगे हम। ये स्थान वेदव्यास जी की गद्दी स्थान है। नैमिषारण्य में 84 कोस के मंडल में 88,000 ऋषि जो बैठे हुए हैं, जिनको श्री सूर्य जी महाराज ने 1,000 वर्ष का ज्ञान यज्ञ करके समस्त शास्त्र और पुराणों की कथाओं को सुनाया था, वो ज्ञान जिस स्थान से सूर्य जी को प्राप्त हुआ था वो स्थान ये नैमिषारण्य में वेदव्यास जी की गद्दी है। बद्रीनारायण से महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना के उपरांत में श्री सूत जी महाराज को और सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए नैमिषारण्य में पधार करके इस आसन पर आसनस्थ होकर के पहले ओमकार से जो चार वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन चारों वेदों का ज्ञान क्रमशः चार शिष्यों को दिया था, जो वैशंपायन, अंगिरा, जैमिनी और पैल नाम के चार शिष्य हुए। उनको एक एक वेद का ज्ञान दिया और 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान सूत जी महाराज सहित श्री सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को 7 दिन में श्रीमद् भागवत जी की कथा को तब सुनाया था जब परीक्षित राजा को तक्षक सर्प काटने का श्राप हुआ था। उसके बाद में सूत जी ने नैमिषारण्य में शौन का आदि 88,000 ऋषियों के मध्य में 1,000 वर्ष का एक ज्ञान यज्ञ किया था, जिसका वर्णन आप सभी लोग श्रीमद् भागवत में अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप यदि पढ़ना चाहें तो उसमें प्रामाणिकता के साथ में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में 4th श्लोक में लिखा है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रो सममासत नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशल सौन को अब्रवीत। लोक हित की भावना से नैमिषारण्य में 1,000 वर्ष का एक ज्ञान यज्ञ किया गया, जिसमें सूर्य जी को उच्चासन पर बिठा करके श्री शौनक जी ने उनसे प्रश्न किया, यज्ञान त्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्यारे सूत जी, आप तो करोड़ों सूर्यों की भांति ज्ञानवान और प्रकाशवान हैं। हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार जो भरा हुआ है उसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करते हुए कथाओं का जो सार है वो हमारे कानों को पिला दीजिए। तब श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाया है जो आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उन्ही कथाओं में एक सत्यनारायण व्रत कथा है। जो सत्यनारायण व्रत कथा है ये स्कंद पुराण के रेवा खंड से 5 अध्याय निकले हुए हैं। उन 5 अध्यायों में जो पहला अध्याय है वो पहले अध्याय का पहला जो श्लोक है उसको आप पढ़िए अथवा सुनिए। नैमिषारण्य के बारे में उसमें वेद व्यास जी ने सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। ये वही गद्दी स्थान है जिस स्थान पर महर्षि वेदव्यास जी ने उन महान ग्रंथों का निर्माण करने के बाद में शिष्यों को उपदेश किया था। उस गद्दी पर कोई दूसरा पैर आदि न रखे, इसलिए उनके शिष्यों ने इसको ऊंचे आकार में बना दिया। बाद को भक्त लोगों के सहयोग से ये सब मठ मंदिर का निर्माण हुआ है और आगे बन रहा है। उसके निमित्त सब दानदाता यहाँ पर अपना अपना सहयोग करते हैं। दूसरा, यहाँ भंडारा किया जाता है, अन्नदान किया जाता है और धोती कपड़ा बर्तन इत्यादि सब यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। प्रेम शिवलि व्यास भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद। गुरुवार को पीले कपड़े में करके बांधे, किसी को देने परिवार को।
तीन या पांच प्रदक्षिणा कर ले, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करे। शौनक आदि 88,000 महर्षियों की यज्ञ, सतानंद जी के परिवार से, सदानंद जी के परिवार से 101 रुपए का सेवा विष्णु महायज्ञ में आया। परमात्मा इनके पितरों को अच्छे लोग वैकुंठ प्रदान करें, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतदेवा स्थान धर्मान प्रथमान्या सन्नाते हनाकम महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्या संति देवाः। शौनकादि 88,000 महर्षियों की यज्ञ है, लोक कल्याणार्थ जन कल्याणार्थ शौनकादि ऋषियों ने 1,000 वर्ष यज्ञ का दीर्घ सत्र आयोजन किया। वो शौनकादि ऋषियों की यज्ञ है, कहीं से हमारे वेद पुराण भागवत सर्वप्रथम परिपूर्ण हुए। वो शौनक जी का विग्रह मूर्ति में दर्शन लाभ है। यहाँ से सभी लोग मस्तक में कंठ में लगाएं भगवती प्रसाद, जो मन बने अपना विष्णु महायज्ञ है 20 तारीख को, उसमें अपने पितरों के निमित्त परिवार आरोग्यता हेतु आप लोग भी सेवा कर सकते हैं। घी लकड़ी समिधा के लिए नाम गोत्र से आप लोग के सहयोग से विष्णु महायज्ञ वो शौनक जी का मूर्ति का दर्शन लाभ है। जो सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि दादा ने शरण में जैसे आज शौनक का भाव है, जो मन में अपने माता पिता नानी नाना भाई बाबा सास ससुर समस्त 21 कुल के पितरों के निमित्त परिवार आरोग्यता हेतु विष्णु महायज्ञ में